हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी स्नैक्स शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके लिए हमें चाहिए, हम गैस पर एक पैन रखेंगे और उसमें तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने पर हम उसमें जीरा डालेंगे, राई डालेंगे, अब हम थोड़ा सा सफ़ेद तिल डालेंगे, इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 2 कप पानी डालेंगे। इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी को हमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालना है। सूजी को हम थोड़ा थोड़ा कर कर इसलिए डालेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़े और इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़े। हमें इसे जब तक चलाते रहना है तब तक सूजी अपना सारा पानी सोख ना ले। हमें इसे लगातार ही ऐसे चलाते रहना है। हमें इसे एक डो के फॉर्म में लाना है। अभी इसमें थोड़ा पानी और रह गया है, इसलिए हमें इसे थोड़ी देर और इसे ऐसे ही चलाते रहना है। अब ये देखिए, सूजी ने अपना सारा पानी सोख लिया है। अब ये एक डो के फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे एक प्लेट में तेल लगाकर इसे निकाल लेंगे। इसे हमें थोड़ा ही ठंडा होने देना है, इसे हमें पूरा ठंडा नहीं होने देना है। अब हम इसमें उबले हुए आलू मैश किए हुए मिला लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे। अब हम ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मसल लेंगे ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे। ये आटा हम इसलिए डालेंगे ताकि हमारा नाश्ता थोड़ा सा क्रिस्पी बने और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा डो रेडी है। अब हम इसमें से बड़ी सी एक लोई लेंगे और इसे अच्छे से गोल गोल कर लेंगे। अब हम चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे गोल गोल शेप में घुमाएंगे। आप अपने मन मुताबिक इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। इसे राउंड राउंड शेप में घुमाकर अब हम इसे चाकू से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। अब हम इसे अच्छे से शेप दे देंगे। मैंने इसे ऐसे शेप दिया है, आप अपने मन मुताबिक इसे किस तरह भी शेप दे सकते हैं। अब हम इसी तरह से सारे स्नैक्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे ऐसे ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल मैंने पहले ही गरम कर लिया था। अब हम इसमें सारे स्नैक्स एक एक करके डाल देंगे। तेल हमें अच्छा गर्म ही चाहिए, हमें इसे हाई फ्लेम पर तलना है। अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इसे पलट पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे।
ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो लीजिए दोस्तों, सूजी का बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही आसान और झटपट तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करते हैं। फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे एंड बाय।